जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। इसके बोट का दुरुपयोग किया गया। अपना अपना धंधा है सरकार। जिस दिन से जीत गया है तो आज तक मुंह नहीं दिखाया है। मैं खलनायक, ये गांव के लुच्चा है या बदमाश है? 100% साहब। के टी तीर पाठी का काथी नहीं। मैं खलनायक, खलनायक बन चुके हैं। ये खलनायक का काम हो सकता है सर? त्रिपाठी के पी त्रिपाठी। मैं खलनायक। अच्छा तो किए नहीं तो पर बुरा ना करें। हम दोनों ईमानदारी से करते हैं। खलनायक होते हैं सर। खलनायक है सर जी, ये नायक नहीं है, खलनायक। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं आपके साथ आदर्श। आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर हाजिर है जिसे देखकर आप अनुमान लगा लेंगे कि भारत के संविधान में दलितों को अधिकार तो मिला, लेकिन उन अधिकारों की दुहाई देकर आज भी उन्हीं के समाज के साथ साथ स्थानीय नेता किस तरह से वोट बैंक की राजनीति करते हैं और किस तरह से उनका शोषण कर रहे हैं। भीड़ एकत्र करने के लिए दलित समाज का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब उनके अधिकारों की बात आती है तो किस तरह से दूध में गिरी मक्खी की तरह उन्हें फेंक दिया जाता है। विरोधियों को फंसाने के लिए पिछड़े समाज के लोगों का उपयोग किया जाता है। यह आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे प्रदेश के साथ सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में दलितों के साथ राजनीति की जाती है। वोट लेने के बाद किस तरह से बेघर कर दिया जाता है, हत्याएं होती है, मारपीट होती है, हत्या के प्रयास किए जाते हैं और मोहरा बनाकर राजनीति की रोटियां सेकी जाती हैं, जिसके चलते ही अब इस क्षेत्र के दलित और पिछड़े लोग नायक को खलनायक की उपाधि देने भी शुरू कर दी है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में 2018 से अलग ही राजनीति की जा रही है। यहाँ के चुने गए भाजपा के विधायक केपी त्रिपाठी पर कई गंभीर आरोप लगे और विधायक चर्चा में रहे। हाल ही में जिला पंचायत सदस्य सुंदरिया आदिवासी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और यह घटना कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के गृह ग्राम हरदी में घटित हुई, जहाँ इनके भाई और समर्थकों ने 2 घंटे तक सुंदरिया आदिवासी को बंधक बनाए रखा, वह भी ऐसी स्थिति में जब वह अचेत पड़ी हुई थी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल नहीं पहुंचने दिया जा रहा था। घटना शर्मसार करने वाली थी। गनीमत रही कि सुंदरिया आदिवासी के बचाव में इन्हीं के समाज के लोग एकत्र हुए और पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने सुंदरिया आदिवासी को अस्पताल पहुंचाया। अगर कुछ घंटे और लेट हो जाता तो हो सकता है सुंदरिया आदिवासी की लाश पर कई दिनों तक राजनीति होती। इस घटना के समय सुंदरिया आदिवासी के साथ उनके पति मोले आदिवासी भी थे। जिस तरह उस वक्त के माहौल की जानकारी उन्होंने दी, उसे सुनकर भी आपके दिल को झकझोर देगा और रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतना कैसे कोई गिर सकता है कि जब सड़क दुर्घटना में घायल विरोधी पार्टी की आदिवासी महिला को केवल इसलिए उपचार के लिए न जाने दिया जाए कि वह विधायक के विरोध में सामान्य सीट से चुनाव जीती, विरोधी पार्टी में है, अपने समाज को उठाना चाहती है। सोचिए अगर उसके समाज के लोग ना पहुंचते और उसके साथ कोई बड़ी अनहोनी हो जाती तो क्या होता। सवाल यह है कि वह कौन व्यक्ति था जो फोन पर विधायक के भाई और परिवार वालों को यह निर्देश दे रहा था कि अगर मर जाती है तो वहीं दफना देना। हम आपको स्पष्ट बता दें कि आरोप सीधे सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी पर है। घायल को अस्पताल न जाने देने के पीछे स्थानीय लोगों के साथ विधायक की क्या मंशा थी, आप मोले आदिवासी और उनकी जिला पंचायत सदस्य पत्नी सुंदरिया आदिवासी के बयान से समझ जाएंगे। जिस तरह से 2 घंटे तक घायल जब प्रतिनिधि बेहोश पड़ी रही, इससे स्पष्ट हो गया है कि इस विधानसभा क्षेत्र में दलितों का शोषण किया जा रहा है। इसके पहले भी जरमोहरा में दलित वर्ग की खड़ी फसल को कुचला गया, 3 दलितों की मौत हुई जिनके लाशों का उपयोग विरोधियों को फंसाने के लिए किया गया। इटौरा में हत्या हुई, अपराधियों को बचाने का प्रयास किया गया। सड़क दुर्घटना हो जाए तो और प्रभावित हरिजन आदिवासी हो तो उसके शव को सड़ाने के लिए विधायक लोग पहुंच जाते हैं। मारपीट की घटना हो तो FIR दर्ज नहीं होती। क्षेत्र में लगातार हो रहे दलितों के शोषण और आ रही खबरों के साथ आरोपों की सत्यता जानने के लिए हमारी टीम ने विधानसभा क्षेत्र के दलित वर्ग के लोगों से बात की है, जिनमें जिनका घर उजाड़ा गया, फसल उजाड़ी गई, हत्या हुई। आप जानते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री दलित हितैषी बनने के लिए तरह तरह के आडंबर रचते हैं, कहीं तात्या बन जाते हैं तो कहीं दलितों के बीच पहुंचकर खाना खाते हैं, तो कभी राखियां बंधवाते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक आदिवासियों और दलित वर्ग के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, आप देखिए और सुनिए यहाँ के निवासियों की।
जिससे आप खुद अनुमान लगा लेंगे कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से एक व्यक्ति इनकी वोट की ताकत मिलने के बाद वहां नायक नहीं बल्कि खलनायक बन गया। वही जनता जिसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाया, वोट मांगा और वोट मिलने के बाद कैसे बेघर कर दिया गया, कैसे एक जनप्रतिनिधि को पहले चुनाव लड़ने से रोका जाता है, चुनाव जीती तो उसकी हत्या का प्रयास किया गया। आप भी सुनिए इस समाज के लोगों का क्या कहना है। रजनीश कुमार साकेत। रजनीश जी, अभी वर्तमान में अभी आप देखेंगे कि आपकी जिला पंचायत सदस्य है सुंदरिया जी, एक्सीडेंट हुआ और विधायक केपी त्रिपाठी उपचार के लिए जाने दे रहे थे। कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जो आदिवासियों के जर मोहरा हो चुके। क्या लगता है आपको, किस तरह से आप समाज में पढ़े लिखे हैं, किस तरह से शोषण हो रहा है? वैसे तो श्रीमान जी ये कहना चाहिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में गरीब आवाम जो है, SC/ST का समुदाय जो हो तो इस बहुत काफ़ी तादाद में बसा हुआ है। ये निर्णायक वोट पूरे सिमरिया ब्लॉक माने सिमरिया विधानसभा में आता है और इसका हमेशा जो है तो हनन किया गया है, इसके वोट का दुरुपयोग किया गया है। वोट के लिए जो है तो इसको बहुत ज़्यादा भाईचारा, यहाँ बहन बेटियाँ तुम्हारे गांव में है, हमारे गांव का संबंध है, ये सब नज़दीकी करीबियाँ ला करके वोट इनके लूटा जाता है और बाद में इनको 5 साल के लिए इनको जो है तो मतलब सपने बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, कारनामे अच्छे नहीं किए जाते हैं। अगर नहीं माना तो कुचलने का प्रयास, दबाव किया जाए, अगर उसका भी अगर कोई आदमी बात उस बात को उठाता है कि मतलब हम ये आपकी बात ये गुलामी महसूस नहीं करेंगे तो उसको हर तरह से प्रताड़ित किया जाए, शासन प्रशासन से लेकर के राजनीतिक दबाव दे करके और गांव मोहल्ले में जातिगत भेदभाव भी किया जाता है, यहाँ तक ये भी मैं देखा हूँ। ये आजकल के तो नायक नहीं खलनायक बन चुके हैं। किस तरह से शोषण कर कि अब ये बताइए कि SC/ST के वोट से ये जीतते हैं, ठीक है, उनके नाम से ये बताते हैं कि मैं तुम्हारी पार्टी से आया हूँ, जीत करके जब चले जाते हैं तो इनके ऊपर कोई भी अत्याचार न्याय होता है, ये थाने में भी जाते हैं तो उनके साथ थाने में भी बदसलूकी की जाती है, इनका रिपोर्ट नहीं दर्ज किया जाता, इनको इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, पुलिस वाले भी अगर कोई कांस्टेबल भी है तो वो भी गाली का शब्द का प्रयोग करके अपमानित करके SC/ST का मतलब अपमानजनक शब्द जैसे कोल और चमार कह के ये माने शब्द का प्रयोग करते हैं। चमार कहता है नियम कानून बना जी। लेकिन अगर किसी ने आप विरोध किए, आपकी गाड़ी जा रही एक्सीडेंट हो जाती है, आपको रोक दो कि मर जाने दो, आपको चुनाव से रोका जाता है, नहीं चुनाव नहीं लड़ो, चुनाव लड़ गए जीत गए तो क्यों जीत गए, इसके पीछे राजनीति चालू हो जाती, साजिश करो, घर गिरवा दो, खेती है खेती उजड़वा दो, एक्सीडेंट है एक्सीडेंट करवा दो, इस पर क्या लगता है क्या समाज? ये तो चुनाव जीतना एक व्यक्तित्वपना होता है, एक लोकप्रियता होती समाज में, समाज में अगर हम अच्छे व्यवहार अच्छा हमारी लोकप्रियता है तो समाज हमारे साथ खड़ा है, अगर इसका कोई विरोध करता है तो ये उनके केपी त्रिपाठी को लगता है कि डर है क्या, सुंदरिया इधर से जीत रही हैं, लोग समर्थन कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके कारण से इस तरह साजिश की गई। अब ये उनकी मनसा जाने क्या है कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए विधायक जी को भी, और मैं यही कहूँगा कि मतलब इस प्रकार से किसी को प्रताड़ित न किया जाए, कि मतलब विधायक जी से निवेदन है कि मतलब इस प्रकार से किसी गरीब आवाम को आज कोई अगर इस मुकाम पर पहुँचा तो संविधान के आधार पर पहुँचा, संविधान के अनुच्छेदों के आधार, पहले संविधान को पढ़िए कि इनको मतलब सामान्य सीट में भी लड़ने का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया था उसको पहले इनको पढ़ना चाहिए, इसके बाद इनके ऊपर इस प्रकार से जुल्म ज्यादती की जाती है ये नहीं करना चाहिए उनको। अभी आपकी जो सुंदरिया जी हैं इनका एक्सीडेंट हो गया था, पता चला अभी आप लोग आई हैं मिलने, है ना, घायल हैं, चोट लगी है, जब वो घायल एक्सीडेंट हो गई थी तो जो आपके विधायक हैं KP त्रिपाठी उनके परिवार के लोग उनको अस्पताल नहीं जाने दे रहे थे, आप खुद सोच सकती हैं कोई घायल हो खून बह रहा हो अस्पताल ना जाने दिया जाए तो क्या होगा, उसकी मौत हो जाएगी, तो क्या लगता है कि साजिश थी, आप लोग कैसे विरोध करेंगे? हमारे सुंदरिया जी मतलब एक्सीडेंट हो गई हैं तो विधायक जी मतलब KP त्रिपाठी मतलब अस्पताल जाने की रोकते रहे हैं तो क्योंकि वो मर जाए कैसे करें, तो मर जाएंगे तो हम लोग क्या करें, महिलाओं हैं तो हम आगे की मतलब बढ़ रही हैं लेकिन वो नहीं बढ़ने देते हैं, इसलिए कि हम रोका चाहते हैं तो हम लोग क्या करें। अपने पास सबक तो है ना, वोट है,
जब वोट देने का नंबर आता है, जब कभी जरूरत पड़ती है, चलो भीड़ इकट्ठा करो, तब तो जवाब देंगे आप भी। हम लोग सब लोग उसको मतलब सबक सिखाने के तैयार हैं, क्योंकि नहीं ये जब अस्पताल में है तो नहीं जाने देते हैं, तो क्या करें हम लोग। हम केपी त्रिपाठी के जब ये चुनाव लड़े थे तो हम उनके साथ में जाते प्रचार करते थे, तो उनके अच्छे के लिए करते थे। लेकिन आज हमारी जेठानी भी एक्सीडेंट हो गई तो उसको जाने नहीं देते, कहते मर जाने दो, इसको इसको जला देंगे, नहीं जाने दे। फिर हम लोग यह सुने कि नहीं जाने दे रहेंगे, ऑटो में चढ़ा रहे हैं, ऑटो से उतरवा लिए, मर जा दो इसको नहीं। तो ये केपी त्रिपाठी के इतनी वही बिल्कुल है कि क्या बताएं, साजिश की गई थी। हाँ, ना अस्पताल पहुंच पाए, कोई घटना घट जाए, कोई घटना घट जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसको अस्पताल ना जाने दिया जाए, ये किसका काम होता है? ये खलनायक का काम हो सकता है सर। विधायक केपी त्रिपाठी ने क्या किया सुंदरिया जी को अस्पताल में जाकर, क्या लगता है? तो ये तो गलत व्यवहार है ना। क्या है व्यवहार? नायक का काम है क्या? नायक का नहीं है, खलनायक का है सर। किस तरह से शोषण हो रहा है आप लोगों का? बहुत बेकार चल रहा है, हमारे यहाँ का बहुत बड़ी समस्या चल रही है। अभी तो मान लीजिए पानी की भी बहुत हमारे यहाँ कष्ट है, आप शाम सुबह में देखिए मीडिया लगा दीजिए, मतलब इतने मतलब परेशानी है पानी के लिए कि कोई कोई नहीं सुनता है। शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है? नहीं मिलता, नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता सर। इसलिए नहीं मिलता क्या कि आप लोग वोट नहीं दिए, ऐसा इस कारण से मानते हैं क्या कि सुंदरिया जी सामने आ गए, इस कारण से दुर्व्यवहार करते हैं क्या? ऐसा ही सर, हाँ, अभी हमारे लोगों को ये था कि गरीब मतलब तन के लोग हैं, तो हम लोग उन्हीं को चाहे, ठीक है ना, उनके कहने से मतलब ये ऐसा नहीं किए थे कि वो बोल रहे थे कि अलग इनको दो, हम लोग ऐसा नहीं किए। गरीबों को उपयोग वोट के लिए किया गया, इस वोट नहीं दिए तो किनारे कर दिया मक्खी जैसे। इतना 5 साल हो गए, मतलब दर्शन नहीं हुए आज तक विधायक जी का। आज हमारे गांव में परेशानी पानी की है, पानी की सबसे बड़ी सबसे बड़ा संकट है। आप शाम सुबह देखिए, हम लोग गरीब है, दूसरे गाँव से मतलब पानी लाते हैं, जल की पाइप बिछ गई है लेकिन पानी आज तक लाभ नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, बताइए क्या कहना चाहते हैं, किस तरह कहना ये चाहते हैं सर जी कि जिस समय ये विधायक बने थे तो हमारे गांव में इसी सुंदरिया के पति से हाथ में हाथ कंधा में कंधा मिला के गए थे और बोल के गए तुम हमारे भाई हो, जो तुम्हें संकट होगा उसको मैं निवारण करेंगे। और जिस दिन से जीत गया है तो आज तक मुंह नहीं दिखाया है। अभी घायल हो गई, एक्सीडेंट हो गई तो अस्पताल नहीं जाने दे रहे थे इनके आदमी। अभी घायल हो चुकी उसी के गांव में, उसी के पड़ोसे में की रास्ते में, तो उसको मदद करना चाहिए कि वो उसको और लटकाना चाहिए कि मर जाने दो मैं यहीं जला दूंगा। धमकी जी, जान माल की धमकी दी है। ये विधायक है, खलनायक है, ये गांव के लुच्चा है या बदमाश है या घोषखोर है, है? कल आए थे तो मोले लाल आदिवासी, अभी वो विधायक आए तो मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ कि कभी मेरे गांव पास जाए तो मैं उसको 2-4 बातें सुना दूं। तुमने आए थे, अड्डा भी बता दूंगा, यहाँ तुम खड़े रहे यहाँ मोले लाल कोल और बुला के कंधे में कंधा मिला के हाथ मिला के कह के गए थे कि मैं तुम्हारे गाँव को जैसे आज आया हूँ तो कल भी आऊंगा। पूरा 5 साल हो गए, आज तक वो आदमी आया नहीं है। जो नेतृत्व भी कर रहा है, जो तैयार भी हुई जिला पंचायत सदस्य हुई, वो भी एक्सीडेंट हो जाता है, काम भी नहीं होने दे रहा। जो कुछ हम लोग बनाए नेता छोटा मोटा कैसा अपना करके किसी का हाथ पांव जोड़ के 4 गरीबों से मिल के बड़े आदमियों से आए, वैसे तो कोई देता नहीं, बारम्बार गोल लाई पड़ता है महाराज, डंडा कर गोरन गिरत रहे, तब वोट दे के हमारे पजन के इतना बड़ा सम्मान दिन आ, तो हम वो लोग बाधा लगे बड़े बड़े मिलके। दलित वर्ग का शोषण किया जा रहा है, दलित वर्ग का शोषण किया जा रहा है, अरे भाजपा पार्टी के तरफ से आए, थोड़ा बहुत कहीं हो गया, त्रुटि हो गई, किसी के साथ कोई आ गया अपने कि हमारे साथ हो जाओ, हमारे पार्टी में हो जाओ, कहीं मनाई बट गया तो इससे तुम्हें क्या हानि है? तुम्हें हानि है, तुम हमसे मिलो पे मेरे जान ले लेने से क्या मिल क्या बना लोगे? कुल मिलाकर जान लेने की कोशिश करते, दबाव बनाने की कोशिश करते, हमारे साथ रहो, हमारे साथ नहीं रहोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, क्षेत्र में हो जाएगा, उपचार नहीं मिलेगा, शासन की योजना का लाभ नहीं मिलेगा, एक दबाव बनाना। हाँ, तो वही बात है साहब कि ये सब यही दबाव बनाना चाहते हैं, आज तक वो आए नहीं ना कभी किए, जो कुछ आए उनसे अच्छा तो किए नहीं तो पर बुरा ना करें, हम लोग ये चाह रहे हैं। मैं स्कूल में रहे 2 रुपया में खां का बना 20 साल, आज 1 रुपया बढ़े का चाहिए, केपी दौड़े
हटा कैन का दाई दी है, हम ही पजन का हटा दिया। हाँ। अब हम 2 रुपया में खाना बनाते हैं, हमारे सुंदरिया रहते हैं। हाँ। तो हमारे सुंदरिया का कांटी नहीं लाग। हाँ। ए जी हमारे सुंदरिया मर जाते तो सुंदरिया का बोलते हैं कि हम यहाँ जला देते हैं। हाँ, मतलब आप लोग 2-2 रुपए का काम कर रही थी, उसको भी छीन लिया। हाँ, हमें हटा दिया और दूसरे का भर लिया। ये आदमियों को? हाँ, अपने आदमियों का मिलाकर शोषण कर रहे हैं। हाँ, हम 2 रुपया में स्कूल में किए हैं 20 साल, अब कोई नहीं कर रहा, हम ही खाक बना रहा है। तो हम ही हटा के दूसर का ले, बड़ी बड़ी जातन के पीछे कर रही थे, कुछ न कर पाई। हम पास सबको जुड़े हैं, जेती दास से सुने न, तब फोन में फोन कहीं हम जान नहीं देता हूँ। कौन नहीं जाने दे रहा था बताए? अरे वो त्रिपाठी के पितृपाठी हन कहन थे कि हम आओ तो तुम्हारे सब पानी का व्यवस्था कर, कुछ न व्यवस्था करे न कुछ। एक साल हमारे आए तो कहन तुम्हारे इतना कीचड़ होता है, भैंस तेन ले बाइन थे साहब, मोले साहब तो कहा कहन कि हम आओ तो तुम्हें 20,000 रुपया दे, आज तक हमारे दरवाजे नहीं आए। वो तो वोट लेना था तब ना बोले थे। नहीं, 5 साल बीत गए या 6ठा साल चालू हुआ, कब हूँ नहीं आए हैं। अब पानी का इतना कष्ट था, जब दौड़ रही हैं कि हम पानी ले आओ सब ले आओ, तो उनका यार ठक्कर मार रहे हैं कि सुंदरिया आगे के जावे नहीं कर, आगे ना बढ़ पा मैं। अब ऐसा ना, अब उन्हें ठक्कर मार दी, मर गई कहीं की हो गया ना, ले जाए ऑटो से उतार लीन मारे वो करी, और कहीं की यहाँ जला दो, यहाँ जला दो, आगे ना बढ़ेगी, यहाँ जला, उपचार ना हो पाए तो मौत हो जाए। हाँ, मौत हो जाए तो कुछ ना, जब ये बढ़वे न करी वो है तो आगे समाज के लोग कुछ और कौन ही कॉल दौड़े ना, ये बस्ती के चमार दौड़े, वही तो दौड़ रही हैं आगे का, उन्हें के साथ मने सब आगे है पाछियान है। आज 20 साल से हो गए, अरे 50 साल से समूह सब ले आई, एक कष्ठा दीन, कहू का छेरी, कहू का बकरी, कहू का भैंसी, कहू का मुर्गी, सब चीज ले आ लिया दी। यही चीज नागवार गुजर रहा हुआ लोग आगे जब रहाई तो से उनका ठक्कर मार रहे हैं कि पछिलते रहे। कहा थे क्यों खोल नाम है यहाँ पर्ची ले, तो पर्ची अब हम कहाँ पाई सर, लड़का के पत्नी खत्म हो गई, छोटे छोटे तीती बच्ची है, तो हम गरीब आदमी कैसे मिली नहीं कभी कहीं नहीं। सब के टी तीर पाठी कह खाती नहीं, उनसे मिलन हुआ साल हमारा पतो खत्म है, तब गायन कहीं या बन बाबा तो 4-5 हजार रुपये के कगदा पथरा सब बन फिर सिक्योरिटी कहन की सम्मान हो जाना कहन की बना, तो हम कहन हम नहीं जानी सर कि बना कि नहीं बना, तो कहने खला जाए क्यों वहाँ तहसील से पैसा दे बाद 25,000 तक मिली, तो वह नहीं मिला गल तब अलग कैसे मिलते नया। भेदभाव करते हैं क्या विधायक? हम कहा जानी सर, हम मन पढ़ा आदमी, हम कहा जानी भेदभाव ना करते हैं। अगर कह रही जैसे कभी महिला मिली थी वो नौकरी कर रही थी 2 रुपए में, उनको हटवा दिए, दूसरे को करवा दिए, इस कारण से? हाँ, इसे कारण से हो सर। आपको लाभ नहीं मिल रहा कोई? कुछ लाभ नहीं मिला, अब हमारा जीव चले न जहाँ चले, हम हूँ गैस वाले आदमी को, इतनी बच्ची है तुम्हें ये बात याद बासी। क्या कोटे में आप लोगों को अनाज अनाज मिल रहा है? अरे कोटन के तो समस्या है सर, 3-4 महीना में एक ठे लड़के का हमारे उमेश नाम के, आज 5 वर्ष ही बीत गया, अगला नहीं मिला ना पर्ची दे, गल्ला ले जा तो कहते पर्ची दिखावा आदिवासी। मोनू, अभी सुंदरिया जी का एक्सीडेंट हुआ, आप देखी, पता भी चला होगा कि उपचार के लिए नहीं जाने जी, जी, जी। आप पढ़ी होंगी जी, क्या लगता है किस तरह से समाज का शोषण हो रहा है, किस तरह से साजिश रची जा रही है, गरीबों का किस तरह से उपयोग हो रहा है? जी सर, मैं तो और कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि जब सुंदरिया जी कुछ पहुँची चीज है तो जब उनका अच्छे से वो नहीं हो रहा तो आम जनता क्या हो रहा होगा, और जो अस्पताल जैसे नहीं जाने दे रहे थे, और जो कि जो थे सामने में ड्राइवर को तो कुछ करना चाहिए ना, जो बैठे थे वो तो नहीं हैं, तो जो मतलब कि बैठे थे उनको भी मार पीट की धमकी दिए, डंडे लेकर दौड़े, तो उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और केपी त्रिपाठी जो हैं तो उनकी मतलब सुनाई दे रही है कि मतलब वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि मतलब कि सुंदरिया मर जाए तो मर जाए, चाहे वहीं जला देना, ऐसे तो जब उनके साथ पहुंची चीज है जो इतना सदस्य है, लोग हैं उनके साथ, जनता वोट दी है जीती जी, तो उनके साथ जब ऐसा कर रहे हैं तो आम जनता के साथ तो और सुलूक किया जाता होगा। सिमरिया क्षेत्र में आप भी जानने लायक हैं, देखती होंगी समाचार में, सुनती हैं, कभी फसल में चढ़वा दो, कभी FIR दर्ज ना हो, कभी कोई घटना घटित हो जाए ना घटित हो, वोट के समय आते हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहती हैं समाज के लोगों को, ऐसे सतर्क रहना चाहिए ऐसे लोगों के साथ कि चुनाव के समय आए कंधे में हाथ रख दिया बोला?
तो ऐसे तो नहीं रहना चाहिए। तब तो बहुत मीठी मीठी बातें करते, मैं ऐसा करूंगा, और फिर जब जीत जाते हैं, हाँ कि आप मेरे भाई हैं, काका हैं, मौसा हैं, जब इसके बाद हाँ फिर इसके बाद जब होता है तो जीत जाते तो भूल जाते हैं। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, अंदर से क्या होते हैं लोग? खलनायक होते हैं सर। नायक का काम नहीं करते ये लोग? नायक का नहीं करते। और जो है केपी त्रिपाठी जब आए थे, मेरी मम्मी मतलब जो हैं तो सुंदरिया आदिवासी जो कहलाती हैं, वो उनके साथ तो बहुत हैं, बहुत अच्छा कार किए हैं कि उनके साथ, उनकी वाइफ के साथ जाती थी, प्रचार करती थी, सब कुछ करती थी। आज वही बताइए उनके साथ ही नहीं, आज उनके नहीं हो तो किसके होंगे? किसी के नहीं होंगे बताइए। और फिर जो है तो मेरे पिता मतलब मोले जी हैं जो, उनको भी उठाकर मतलब कोई नहीं जानती, गांव की कैद किया गया था, इतने गांव के लोग थे वहां पे, भीड़ लगी थी, उनको कोई नहीं देखा कि वो केपी त्रिपाठी कहां पे ले गए। नाइट में 3 बजे कॉल किया गया कि कहां है, बताएं कि मतलब मैं बेड़ा पहाड़ कहीं है। कब की बात है ये? जब चुनाव हो रही थी, चुनाव के समय में ले जाते, जब वो शुरू में ऐसा कर रहे थे। तो अब आज पहले हम आपको सुनाते हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के खड्डा में उजाड़े गए हरिजन आदिवासियों को, जिन्हें किस तरह से वोट के लालच में बसाया गया और फिर कैसे उजाड़ा गया। जब वह फरियाद लेकर पहुंचे तो अब उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, फिर आपको ले चलेंगे ऐसी जगह जहां पहले एक आदिवासी महिला को चुनाव लड़ने से रोका गया और जब वह नहीं मानी तो जीतने के बाद किस तरह से साजिश की गई। यशोदा कैसे रह रही हैं आप, ये घर गिर गया तो? पानी लगा के रह रहे, कोई नहीं सुनने वाला साहब, विधायक विधायक कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुना साहब। गए उसके पास, बोले कि सबको गिरेगा, जब तुम आ रहे तो बोले कि हाई कोर्ट का आदेश तब गिरेगा सबका। वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के 40 चक्कर आते हैं, कोई नहीं सुनता, ना सरपंच सुनता, ना विधायक सुनता, ना कोई नहीं सुनता। छोटे छोटे बच्ची बच्चा लेकर ये दुपहर से पानी लगा कर रह रहे हैं। आवास का मकान भी बना था अपने से जेबा से, लड़का परदेश से लाकर पैसा फूक के पिया से बनाए किसी तरह से, वो भी गिरा दिए। वोट मांगने के लिए आते हैं, जब हरिजन आदिवासी का संकट आता तो कोई नहीं खड़ा, कोई नहीं आता भूख के प्यास, कोई एक किलो चावल तक नहीं दिया, सब यहीं में एक घंटा का मोहला नहीं दे के अपना सामान तक तो निकाल ले, सब यहीं में दाब दिए, चावल गेहूं आटा गद्दा रजाई सब जो कथरी गुदारी था। हमारा प्रेम बतिसा कितना, कैसे रह रही हैं इस समय, अभी घर गिर गया, ये पानी में गुजारा कर रहे हैं सर। तो यहाँ के जो नेता हैं कोई सुने नहीं? कोई नहीं सुना, सबके पास गए, गिर गिराते उनके पैर में गिरते रहे, लेकिन पैर से हटा के नहीं, बोला कि जैसे करोगे तुमको आदमी के ले जाके हम बंद करा देंगे, नहीं पकड़ा देंगे सर। कौन बोला? वो गिराने वाले आए थे, इसलिए हम बोले सांसद ये सब बोल रहे हैं, कोई नहीं करता है सर, बोले जेल करवा देंगे, जेल करवा देंगे, तुमको आदमी का फाइया दर्ज करवा देंगे तो तू कुछ नहीं कर पाओगी, अब देखते देखते थक जाओगी, जब चाहे आवाज घर के बचा लो चाहे आदमी को बचा लो। जब वोट मांगने आते हैं तो हाथ पैर पड़ते हैं उल्टा? हाँ वो तो दिन रात बराबर आते हैं सर, अभी फिर से समय आएगा तो फिर आएंगे? हाँ आएंगे, नहीं तो आते रहते हैं, दिन रात बराबर आते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं है। किलो आटा तक नहीं सर, हमें क्या करेंगे, अगर बच्ची हमारे पास बताइए उनको हम कहाँ ले जाके क्या करेंगे। रंजीत साकेत, किस तरह से दबाव बना रहे, कैसे रह रहे हो तुम लोग, अभी जीवन काट रहे हो अपना? जीवन तो मान लीजिए जिस अनुसार से चाहिए तो उससे वो उतरन नहीं है, जितना चाहिए। अब जैसे है तो देख ही रहे हैं कि मड़ाई सड़ाई आदमी सब, तो क्या दबाव बना रहे हैं अब यहाँ के नेता लोग? दबाव यही है कि अब हम लोगों को 2 दिन के लिए वादा भी दिया गया, केपी त्रिपाठी हो गए, बहुत से लोग हो गए, संसद भी हो गए, सबको ही हो गए, लेकिन महीनों हो गया कोई कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, बस यही बोला गया कि आप ज्यादा बोलेंगे तो आपके लिए कार्रवाई की जाए। गुंडागर्दी के हिसाब से मेरा घर गिरा गया साहब, पैसा दे, कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुना सर। क्या कहोगे विधायक, क्या कहोगे विधायक, मदद नहीं किया, क्या कहोगे ऐसे विधायक को? विधायक जब हमारा कोई मदद नहीं, खलनायक नहीं, खलनायक नहीं, खलनायक जैसे रोल किए, नायक का तो कोई नहीं सुना है आपका, यहाँ मदद करने आया। वोट मांगने के लिए आते हैं तो पैर पड़ेंगे, साथ में खाना खाएंगे, बड़ा हमदर्दी दिखाते हैं, अब आप रोड में पड़े हैं तो कोई सुनने नहीं है, सुनने वाले नहीं, सांसद विधायक कोई नहीं, 20,000 पैसा भी दिया तो बोला, अभी तक पैसा भी बोले पैसा भी नहीं, पैसा देंगे तो कोई नहीं, हम लोग बरसात में भीजते बैठे रहे थे, जिन्हें घर गिरा हम लोग बोल रहे थे सामान तो निकाले, कुछ निकालने नहीं दिया हम लोग। अक्सर हरिजन आदिवासियों के साथ प्रताड़ित किया जाता है, पहले लाभ देने का वादा किया जाता है कि हम आपको ये सामान देंगे, क्या लगता है कि सिर्फ यूज किया जाता है वोट के लिए? वोट के लिए परेशान है। राम उजागर कैसे रह रहे हैं इस समय ये रोड के किनारे आप लोग? नहीं है घर, छा देते रहे उन जो बड़ी बड़ा के। तो आपके नेता विधायक सांसद कोई आया?
क्या कहते हैं? सब विधायक वोट लेकर फिर आए, नहीं जानते कोर्ट जाने। अक्सर हरिजन आदिवासियों के साथ इस तरह का होता है। हरिजन आदिवासी के लिए क्या मानते हैं कि वोट बैंक यूज किया जाता है? हाँ, वोट बैंक खाती रावत। चुनाव के समय विधायक आए थे? सब आते हैं विधायक। केपी त्रिपाठी भी आए थे? हाँ। क्या कहा था? खूब वादा किया था? हाँ, कहा था कि सब सब काम कराएंगे गरीब के। तो काम करा तो दिया ये? हाँ, घर के जा दिया। अच्छा, वैसे रहे रोड में ला दिए? रोड में रहे करके व्यवस्था करके सब घर बनाए थे आप लोग? ये सब ऐसे घर घर काम करके मंजूरी करके बनाए थे, कर्जा लेके बनाए थे। बेघर कर दिया गया? हाँ, आवास बनाए, बेघर कर दिया गया। बेघर कर दिया गया, आवास के बना हुआ था। सुनीता साकेत। सुनीता, कैसे रह रही है इस समय? यहाँ सब घर गिरा है, बच्चियाँ हैं, बड़ी बड़ी बच्चियाँ लेके कैसे रह रही हैं? कोई सुरक्षा नहीं है। हम लोग रोड में पड़े रहते हैं, पन्नी में गुंडा लोग आते हैं। हाँ। तो रोज भी धमकाते हैं कि अपनी अपनी मड़ी हटाओ, अंतर जाओ। तो क्या करें? किसके गुंडा रहते हैं? नेता विधायकों के? नेता चतुर्वेदी। हाँ। पप्पू चतुर्वेदी, ओगिन चतुर्वेदी, ये सब महत चौबे, ये सब बोलते हैं कि हमारे ये पट्टे में है, तो जाओ झोपड़ी हटा के जाओ। तो कोई नहीं सुन रहा विधायक नेता? कोई नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुन रहा। बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, आप लोग हैं, ना शौचालय की व्यवस्था, ना बाथरूम की व्यवस्था, ना शौचालय, ना बाथरूम, ना नहानी, कोई नहीं। सब रोड में मन सब गिरा दिए। वोट मांगने नेता आते हैं? वोट मांगने फिर अब कोई नहीं सुनने आया? कोई नहीं सुनता। विधायक कौन है आपके यहाँ के? जे के पी त्रिपाठी। वो भी नहीं आए? आए थे। हाँ। लेकिन वादा करे, लेकिन आज तक कुछ नहीं। तहसीलदार है, कलेक्टर कलेक्टर है, सब खरनायक हमारे, विधायक भी खरनायक है, सरपंच भी, सब कोई खरनायक हमारी। जब कोई हमको नहीं देता तो खरनायक है ना समझेंगे हम साहब? खुले में हमारी बहन बेटी लोटा लेकर जाती, बर्तन बलात्कार भी करेंगे तो क्या करेंगे? कोई भी नहीं सुनाई दे करता इधर। खुले में जाते रात में भी, रात में हमारी लेटरिंग बात सब गिरा दे। हम बहन बेटी सब जाते खुले में लेटरिंग करने, रात में कहीं इधर लुके रहते कहीं इधर लुके रहते हैं, रात में आदमियों को लेके जाते हैं हम लोग लेटरिंग। वादा किया था वो केपी त्रिपाठी ने? वादा किया कि विधायक सब के हम नहीं गिरने देंगे घर, जब वहाँ गिरेगा नहीं गिरवा लाना, और यहाँ रामचंदी तला गिरेगा जब तुम्हारे मकान में नहीं हाथ लगेगा। तो किसी के घर नहीं गिरा, हमारा घर गिर गया सर। कुल मिलाकर सिर्फ झूठा वादा किया था वोट लेने के लिए। हाँ, बोला कि नहीं तुम डरना मत, कोई भी घर आगे आगे एसी भी चलाने आएगा तो पहले हमारे पर चलाएगा, तब तुम्हारे पर चलेगी नहीं। जिस दिन घर गिरने लगा तो जैसी भी आई फोन लगाए तो बोले हम ये नहीं, हम भोपाल में रहते हैं, ये नहीं है, हम अभी नहीं पहुंच पाएंगे। अब जिस तरह से नहीं रोकना तो रोक लीजिए, अब हमारे पास सुनने नहीं तो हम कस के रोक लें सर। फिर जब गिर गया कैसे रख रही है? बच्चियां हैं, बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, बड़ी बड़ी बच्चियां देखिए, हमारे साथ बड़ी बड़ी बच्ची बच्ची है, ये लड़का है, एक बोल के लिए कर लेटरिंग जाती, बाहर जाती, शौचालय है हमारे पास, सब उपलब्ध था, लाइट बिजली है पर जितना भी सब हमारे भैया, कुछ कमी नहीं थी। लेकिन हमारे ऐसा होगा कि आज एक उजार में गत नहीं है, जैसे यानी उजार में गति हमारे पे गत नहीं, कूले में लेटी बातें बच्ची जाती हैं, बहु बेटी को लेकर जाते हैं, देखिए बकरे बकरे बहु बेटी, कोई सुनने वाला नहीं है, क्या सुनने वाला नहीं है। हमारा नाम मोहन साकेत है। मोहन, क्या स्थिति है यहाँ, कैसे रह रहे हैं आप लोग? यहाँ हम लोग पन्नी में रह रहे हैं सर जी, ऐसी स्थिति हम लोग की कर दिए हैं। कौन कर दिया ये? ये सब बड़े अधिकारी लोग किए हैं। क्या मानते हैं जो नेता वादा करते हैं, तो फिर कैसा वादा किया? वादा किए तो जरूर मगर निभाते नहीं है, खलनायक है सर जी, ये नायक का रोल नहीं निभाते? नहीं सर जी। कैसे परिवार रह रहा है अब आपका? बिल्कुल रोड में सर जी पड़े हैं, भूखे प्यासे, आज 20 तारीख से हम लोग पड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, हाँ, बच्चे हैं, बच्चे तो हैं। कैसे रह रहे होंगे खुले में? अब देख लीजिए सर जी, सब शौचालय सब बाहर जा रहे हैं, पूरी व्यवस्था थी यहाँ पे, लाइट थी, नल था, और आवास का मकान बना हुआ था सर जी। तो आस पास के लोग भी आते होंगे तो गलत निगाह रखते होंगे? जी 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 सर। यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप नहीं मिले? मिले थे सर जी। तो क्या बोले? वो बोले कि ये कुछ नहीं हो सकता, सब ऊपर से आर्डर है। हमने कहा सरकार एक घर बना के देती है और आप लोग हमको बेघर कर रहे हैं सर जी। तो अब क्या कहोगे ऐसे विधायक नेता को आप? अब क्या कहेंगे सर जी, अब उनको खलनायक कहेंगे सर जी, जो अपना वादा नहीं निभाते। जी वादा अपना नहीं निभाते हैं। फिर आए भी क्या पूछने? आया कोई? आए थे सर जी, वो आए एक बार आके और फिर चले गए, बोले कि ये ऊपर से आर्डर है, आप लोग को कहीं ना कहीं व्यवस्थित किया जाएगा। फिर दोबारा नहीं आया? लौट दोबारा लौट के कोई नहीं आया कि भूखे प्यासे कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उपास धात हम लोग मर रहे हैं सर जी यहाँ।
अभी आपको चोट लगी जी। इसके बाद वहाँ करीब 2 घंटे आप पड़ी रही, आपको उपचार के लिए बाहर नहीं आने दिया जा रहा था अस्पताल। क्या मानते हैं, किस तरह से साजिश थी, क्या चाहते थे लोग? सर ये कि 2 घंटा जो कि हम गाड़ी में रहन, गाड़ी यंघा से जात रही हमार, ओंघा से ऑटो आवर रही, तई दोनों को टक्कर लाग। हम गाड़ी में रहन, गाड़ी में गिरन भी हो सोई गए। अब हम 2 घंटे तक पड़े रहन, पता नहीं हम खा ऑटो में लादे रहे, कहा थे कि जाइन नहीं देर रहे, जो कि हम तभी होशे रहन, 2 घंटा पड़े रही गए। वहाँ ऑटो एम्बुलेंस से उतार लिया गया, तो ये बताई कौन अब गांव के लोग रहें को रहे, हम तो नहीं जानी। पर क्या प्रयास, क्या मानती है कि जिस तरह से एक आदिवासी नेता बनी, पहले लड़ाई नहीं लड़ने दे रहे थे, चुनाव नहीं, चुनाव जीती, इसके बाद इस तरह का रोकना, जब आप प्रतिनिधि हैं, जनता आपको चुनी है, आपके साथ हो रहा है, तो आपके समाज के साथ तो लोग क्या करते होंगे, किस तरह से वापस करेंगे? सर समाज तो हमारी कहती है कि फिर से तुम लड़ो, हम तुम्हारा सहयोग देंगे। और जो कि हम क्षेत्र में जई थे तो सब हमारी सम्मान करते हैं, कांग्रेस के यात्रा में जई थे तो सब लोग हम ही कहते हैं कि आप आगे आइए। हम लोग बराबर कांग्रेस की सहयोग करते हैं। और जो कि भाजपा वाले हैं, हमारे विधायक जी हमारे पिछवाड़ी पड़े हैं, जो कि हम इतना भारी तो गलत नहीं कहे हैं, विधायक जी के चुनाव में हम स्वयं उनके साथ है, रात रात दिन दिन उनके मलकिन के साथ रहत रहन, चुनाव उनका जीतवाएँ, जो कि लगातार 2 महीना हम लोग उनके साथ में रहें, तो कौन हम सब वोट किहिन, सब जहाँ जहाँ जात रहन सब वोट किहिन, तब तब विधायक बने। तो विधायक बनते ही भूल गए कि वही सुंदरिया है, उसी के गांव, उन्हीं के विधायक के पी त्रिपाठी का ही गांव था, उनका घर है, उनके भाई लोग खड़े थे, परिवार के लोग, फिर इस तरह से कि उपचार ना हो जाए तो सीधी सी बात है कि मौत हो जाए, उपचार ना हो पाएंगी, एक्सीडेंट हुआ, विकराल एक्सीडेंट था, गाड़ी 2-3 बार पलटी खाई, फिर वही विधायक कैसे बदल गई? जी सर तो हम अब का बताएं, विधायक जी की कौन मर्जी थी कि सुंदरिया यहाँ ने मर जाएगी तो उसको जला दी जाए, ऐसा लग बोल रहा है जी। अब ये तो बताए रहे लोग जी रहे, हम तो अब बेहोश रहे सर, तो ये कि अब क्या बताए लोग कि कैसा क्या कह रहे थे, कौन कौन रोक रहे थे, कुछ जानकारी है? जानकारी सर हम खाबे जानकारी नाम हम नहीं जानते हैं, ये कहें कि गाँव के लोग रहे, भाई लोग रहे उनका, तो ये सब कह रहे थे। अब बोलते अब फोन में बोलत रहे, अब कहा जाने की को बोला रहा। तो ये नहीं, ये लगता है ना कि आपका जो समाज का उपयोग करते हैं लोग जी, किसी भी चीज़ के लिए हो, कभी धरासीदास जयंती मनाएंगे, आदिवासी जयंती मना देंगे, वोट मिल जाए, इसके बाद वही जो प्रतिनिधि सामने आ जाता है, ऐसा लगता है कि उसको कंपटीशन है कि क्षेत्र के लोग सम्मान देने लगेंगे, तो उसी के जान के पीछे पड़ जाते हैं। आप खुद बता रही हैं कि विधायक के पीछे रहें, विधायक की पत्नी के साथ प्रचार करती रही, अब आपके साथ फिर इस तरह से कर देना, कैसे सुरक्षित रहेंगे लोग आपके साथ जो जुड़े हुए? सर अब हम का बताएं कि कौन मेर की उनखा रहे, वह है कि जो कि अब प्रतिनिधि हमारे सबे साथ में है, हर जन आदिवासी तो सबे वोट दिहीन उनका, सब साथ है में है, आज तक वो हर जन आदिवासी की सेवा नहीं कर पाएं, जो कि न कर रहे हैं, जो कि इतनी भारी घटना होती हैं तो सब तर जा जाए के यह सुना था कि विधायक करवावा थे, तो देखिए अब विधायक जी की कौन अब उनका नेत है कि हर जन आदिवासी के पीछा पड़े हैं, और जो कि हमारे पीछा पड़े हैं, हम तो कौनों गलतियां नहीं कि हैं उनके साथ। गत दिवस आपका एक्सीडेंट हुआ जिसमें जनपद जिला पंचायत सदस्य सुंदरिया जी बैठी थी, गाड़ी को रोक लिया गया, विधायक के पी त्रिपाठी का गृह ग्राम था जहां रोका गया, क्या लगता है कि किस उद्देश्य से रोका गया होगा? एक कोई व्यक्ति घायल होता है उसको पहले कर्तव्य होता है कि उसको तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुँचाओ, चाहे दुश्मन हो, विरोधी हो, कोई भी हो, क्या लगता है किस तरह से साजिश की गई, क्या उद्देश्य था? आप तो मौके पे थे, साथ में थे। जी सर हम अब वहाँ पर साथ में थे, एक गाड़ी वाहन है जब रोड में चला थे सर जी, तो एक से एक टकराव तो हो ही नहीं सकत है, अगर चोट चपेट आदमी के लग गया तो ओका मरई तुरंत तत्काल मदद कहके ओका अस्पताल का उपचार का भेजा था, दर्द हो जाए दवाई हो जाए मरे न पावे। पर सर जी के गांव अपना के हरदी गांव विधायक जी का गांव के पी जी त्रिपाठी जी का, तो वहां पे भाई ये वास्तविक घटना तो हुई, दोनों ही वाहन लड़े, पर सर जी घटना के बादों कम से कम 4.5
बजे की बात है, हमारे लोगों को 2 घंटा विलम्ब किए 5:30 बजे करीब, वाहन गाड़ी में जाने नहीं दे रहे हैं कि अस्पताल जाकर दवाई करवा लो, और वहाँ से दोबारा फ़ोन करें। अब ये तो हम फ़ोन में खाली सुने, हम सुन देखे तो नहीं कि कौन कर रहा कौन नहीं, बोल रहे हैं कि वो सुंदरिया को होश नहीं है, वो लास्ट में कहीं मर ना जाए, तो वहाँ फ़ोन से आए कि अगर मर जाए तो मर जाए, उसको जला देना, 7 लकड़ियाँ यहाँ दे देना, फिर जाने नहीं देना, अस्पताल ना पहुँच पाए। सुंदरिया से इतना दुश्मनी, पर्सनल सुंदरिया से है कि समाज के लोग चाहते हैं कि समाज के लोग ऊपर ना आ पाए, नेतृत्व कर रही हैं। अब सर जी मुख्य बात तो सबसे बड़ी बात समाज के है, क्योंकि वो तो दलित समाज के आदिवासी समाज के है ही है। अब दलित समाज के लोग आजकल वास्तविक ओका जिला पंचायत के नेतृत्व कह के ओका चुनावों जिता दिन नेतो बना दिए, तो एक तो दलित समाज के ना नेता कहा है। अब वो बढ़ी तो दलित समाज के लोग बढ़ी है, तो दलित सब समाज के लोगों को ना हो, गरीब तब परिवार के आगे नया में या ना हो। तो मौके पे थे कौन कौन लोग थे, कुछ पहचानते हैं जो लोग गाड़ी रोकना चाहते, उनके भाई या खुद वो लोग? सर नाव तो मैं नहीं जाना आज तक, पे उनके सगी भाई 2-3 थे, काका पीती के थे जो दहीने बाएं थे, फिर हमारे लोगों को भी मारपीट को तैयार भे, वहाँ कुछ हमारे आदिवासी या हरिजन, वास्तविक सर वो 2 ही समाज के लोग हमार पचन के छत्र की सहयोग की बचाइन, अगर उन सहयोग न करें तो वास्तविक हमारे लोगों को भी वहाँ बहुत बड़ा घटना, जबकि हमारे लोगों की कौन से गलती बैठने वाले हैं, चलकर की गलती है, जो हुई तो हुई, उसमें भी मान ली कि सर जी हमारे हरिजन आदिवासी दोनों मिलके उनका भी मारा गया, एक ऑटो में बैठा लिया कि लेकर चल दे पहुँचा दे, तो कहीं तुम बैठा कहे लिए उतार ही फिर दे रोड में मर जाए, देश था कि मर जाए यहाँ। अब उद्देश्य अब तो वह सामने आ रहा सर जी। आपके सिमरिया क्षेत्र में अक्सर देखिए आदिवासियों के साथ राजनीति होती है, इसके पहले भी 2-3 घटनाएं घट चुकी हैं। जी जी आपको याद होगा जी। तो कहीं उपचार नहीं पहुंचने दिया, FIR दर्ज नहीं होने दे रही, जांच नहीं होने दी जा रही थी, तो क्या लगता है भीड़ इकट्ठा कर देने के लिए आदिवासियों को यूज किया जाता है और फिर नेता किनारे हो जाते हैं, भाजपा का विधायक है, भाजपा का विधायक रहता है, घर गिरा दिया जाता है, तो किसी का हत्या हो गई तो उसकी FIR नहीं दर्ज होती है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उपचार करने के लिए नहीं जाने देता, सिर्फ उपयोग करते हैं या फिर? जी सर ये तो सच्चाई बात है, हमारे क्षेत्र में 2-2 नहीं 3-3 4-4 ऐसे कांड हुए। अब एक थे अपना के थे खड्डा मोड़ के आगे देखे, उन्होंने साकेत समाज के लोग तालाब के मेड़ पर घर बनाए रहे, उनका घर गिरवा दी इनका विधायक जी के माध्यम से। वो तो लोग कहते हैं कि नायक नहीं खलनायक है। अरे सर जी अब वो तो अब ठीक है, बने हैं तो बने रहे, अब हमारे गरीब तब गरीब परिवार के तो लोग हैं कर रहे, तब वो कब का कहे, आज जितने हमारे यहाँ कांड में सबीन भे वास्तविक अपना कंठे या कौनी गांव है, ओके साथ वास्तविक अन्याय हुई, अत्याचार हुआ, ओका सब वो चीज़ घटना कीन गए पे ओके ऊपर आजो के डेट पर ओके कानूनी कार्रवाई के मुद्दे पर ओकर कबहूँ ओंकारी जांच नहीं कीन गए, ओरा में किसानों का गरीबों का दलितों के फसल चौपट, हाँ ये सब करवाई गई, सब फसल कटवाई गई, गरीबे गरीबन के जितना नुकसान आ तो सब सारा हो रहा सर जी, बस भी गरीब के जब चुनाव आई तब अंत सब बताई हैं, फिर बाकी सब जता तो उनके साथ अन्याय अत्याचार बलात्कार जता था सब होता है। अपना घंटे मनकाहरी गांव में एक हमारे सगी परिवार की बहन बेटी है, उसके साथ बलात्कार कीनगा गलत कीनगा, और फिर वो थाने पर पहुंची, ओकर आजो के डेट पर ओकर कहो FIR नहीं हुआ। किसका दबाव आ जाता है? ये सब विधायक जी का, KP त्रिपाठी, KP त्रिपाठी जी का विधायक हो रहा, कुल मिलाकर हर तरह से जी, खेत फसल घर गिरवा दो, कोई आवाज न उठाने पाए, जितना सर हो रहा हमारे क्षेत्र में, तो हम आज देख रहे हैं कि वास्तविक क्षेत्रीय हमारे विधायक KP त्रिपाठी के माध्यम से जितना होते तो हमारे 80-80 के बीच में गरीब तब गरीब परिवार के लोगों के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है जी। और तो वास्तविक सर एक पहले नीलम मिश्रो जी रहे, अभय मिश्रो रहे, राम लखन शर्मो जी रहे, राजमन पटेलो रहे, पर यह तक कबहू अन्य आतंकवाद वाद विवाद ये कबहू को अगर गरीब तब के कोनो अगर यह भात हाथ जोड़ के अगर पहुंचा तो ओकर सुना गया ओके साथ कुछ न्याय भय है। सुंदरी जब चुनाव लड़ने वाली थी तब भी रोकने का प्रयास किया गया, ऐसा कुछ है क्या मामला था किस तरह? जी सर जब यहाँ चुनाव का फार्म हम लोग डाले के रहा तब हमें KP त्रिपाठी जी मंडल अध्यक्ष अपना के एंठे के बहनी के जने हैं पाठक जी, तो बोलवाइन कहीं कि आवा फिर गैन फोन से बात करवाइन, तब हूँ कहीं KP त्रिपाठी जी कि सुंदरिया जी आप चुनाव मत लड़ो, आपको न लड़ना चाहिए,
हम कहें काहे न लड़े चाहिए सर जी, कहें सम्मान वार्ड है इसलिए न आपका आरक्षित सीट होती तो आप लड़िए। तो हम कहें सर जी सम्मान तो सबके लाने सम्मान माने दिया संविधान बनाए कि हम कहीं से लड़ सकते प्रचार में हम लोग तो हमारा यह वह कहें कि नहीं वो जो फिर लड़ो तो जो हमारे अनुमत से जो हम कहें तो लड़ो। तो हम कहें सर जी हम आपके कहे मानी हमारी क्षेत्र की जनता हमारे को कह रही है। तो कुल मिलाकर आपने चुनाव लड़ा, सुंदरिया जी चुनाव लड़ी जीती जी। घटना घटी इत्तफाक से घटना घट सकती है, प्रायोजित भी हो सकती है, लेकिन इसके बाद उपचार के लिए न पहुंचा क्या खुन्नस निकालना चाह रहे तो स्पष्ट की सर बात वो अपने समर्पित भाजपा प्रत्याशी का कह रहे हैं और उनसे हम खिलाफत में चुनाव जीत गए तो वो बने जब भुगतना पड़ सकता था की एक्सीडेंट हुआ और उपचार न हो मौत हो जाए कुछ भी हो जाए बड़ी घटना हो जाए वाले ने बचा ली ये बात सच्चाई है सर। लगातार जुल्म जन्य अन्याय अत्याचार बढ़ता जा रहा है और लगातार ये घटनाएं एस सी एस टी के ऊपर बढ़ रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि जब वोट लेना होता है तब जब घर घर जाकर जो है तो पैर तक पकड़ लेंगे यहाँ तक तो गोड़ धो लेंगे लेकिन यहाँ तक इतनी गंदी राजनीति खासतौर से ये भाजपा सरकार में कि कभी मानो गरीबों के साथ कोई भी अन्य अत्याचार होता है तो मुकदमे तक दर्ज नहीं होते हैं यहाँ सिर्फ जो है तो वो अपना रोटी सेक के और निकल जाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द ऐसे कार्यों में अंकुश लगाया जाए जिससे ये जो अपराध बढ़ रहे हैं लगातार सबसे ज़्यादा गरीब समाज के ऊपर एस सी एस टी ओबीसी के ऊपर जो अन्याय अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं इसमें जो है तो अंकुश लगाया जाए अन्यथा अगर पुलिस एक्टिव नहीं होगी पुलिस प्रशासन अगर समय से अपना काम कर ले तो शायद इतनी समस्याएं झेलनी पड़ेगी इस समाज को। विगत दिनों भी अभी एक एक्सीडेंट हुआ था हरदी में सुंदरिया नाम के उनको एम्बुलेंस तक नहीं मिली क्या यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब वोट लेना होता है तब जो है तो चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के उनको जो है तो बस उनको राजनीति करने से मतलब है इसलिए जो है तो जब के उनको तत्काल एम्बुलेंस मुहैया कराया जाए और पहुँचाया जाता हॉस्पिटल और हम कहते कि इनके ड्रामे के चक्कर में अगर उसकी मौत हो जाती तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा कांग्रेस की राजनीति है ये सिर्फ राजनीति तक सीमित है हित कभी नहीं कर सकते। इसलिए अनुरोध है मेरा सभी से कि अपने हक अधिकार को जाने। साहब इस दिनों जो मध्य प्रदेश और रीवा में राजनीति चल रही है दलित वर्ग का शोषण हो रहा है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कई बार आप देखिए कि शासन की योजनाएं जो चुनाव के टाइम आता है तो चुनाव के समय योजनाएं बांटी जाती हैं धड़ाधड़ जो जहां जैसा चाहे फिर उन्हीं का दुरुपयोग होता है घर से बेघर कर दिया जाता है संरक्षण आरक्षण के नाम पर दिया जाता है कि हम आरक्षित की जब जीत किया था तो दुरुपयोग होता है उपचार नहीं मिल पाता प्रताड़ित किया जाता। क्या मानते हैं आप? आपने इतना देखा है कि समाजवाद में भी जुड़े रहे कैसा इस समय राजनीति चली क्या पर पार्टी है क्या चरित्र है नेताओं का? गलत परंपरा तो बहुत दिनों से चल रही है अपने संविधान में तो सबको बराबर का अधिकार है बल्कि दलितों को तो आरक्षण भी है कि उनको विशेष अवसर मिले इसके बावजूद भी अभी वर्तमान दौर में तो ये ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई हैं कि दलितों के साथ बहुत ज़्यादा अनदेखी हो रही है और अभी एक घटना सिमरिया क्षेत्र की है जिला पंचायत की सदस्य है जो सुंदरिया आदिवासी उनके साथ जो हादसा हुआ और विधायक के पी त्रिपाठी के ही गाँव की बात है तो लगता है कि आखिरकार उनको इस ढंग की मदद क्यों नहीं मिल पाई जो तुरंत मिलना चाहिए और यदि अधिक देर खून उन बहता तो हो सकता वो खत्म हो जाती। कभी कभी लगता है कि इस ढंग की जब अनदेखी होती है और वहाँ अच्छे गांव में भले अच्छे खासे लोग हैं जो उनको साधन उपलब्ध करा सकते हैं प्राथमिक उपचार हो सकता है तुरंत वहाँ हमको अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है ऐसी स्थिति में उनकी अनदेखी हुई करीब कई घंटे तक वो पड़ी रही और देर से उनको ले जाया जा सका तो ऐसी स्थिति में उनकी मौत हो सकती थी इसका जिम्मेदार कौन होता। और हम जानते हैं कि सुंदरिया आदिवासी सामान सीट से विजय हासिल की है जो बड़ी कठिन बात होती है किसी दलित आदिवासी के लिए तो उन्होंने किया और वो जिला पंचायत के अध्यक्ष पद की दावेदार भी थी तो कभी लगता है कि ये दावेदारों को ख़त्म कर दो कभी मौका आएगा तो ये बनेंगे तो ये भी खेल हो सकता है लेकिन ये बड़ी गंदगी हो गई है कि इस ढंग की अनदेखी होती है अभी पता चला कि उनकी छुट्टी हो गई वो अच्छी हैं अच्छी बात है स्वस्थ हो गई हैं लेकिन ये बहुत गंभीर सवाल है कि ये सब क्यों होता है। इसी तरह से शाहपुर खड्डा में हुआ कुछ जब चुनाव आते हैं तो वहाँ आवास प्रधानमंत्री आवासीय कोटे से तालाबों पर भी घर बन जाते हैं तालाब पर तो घर बनना ही नहीं चाहिए और यदि आपने बना दिए हैं तो फिर आप फिर जब मौका आया जब चुनाव खत्म हो गए वोट मिल गया सरकार बन गई तो उन घरों को गिरा भी देते हैं तो ये प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत भी पैसा खाया जाता है फिर तालाबों की सफाई के नाम पर फिर पैसा खाया जाता है तो ये धांधलेबाजी जो चल रही है
ये हमको बड़ा दुख लगता है कि 7 कलेक्टरों को भी नोटिस भी मिली है, तो ये सब जो मनमानी करते हैं कि हाई कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ता है कि आखिरकार ये व्यवस्था कैसे चलेगी, कितना अधिक करप्शन है। हम लोग आजादी के 75 साल मना रहे हैं, अमृत काल मना रहे हैं, तो अमृत काल से विश्व काल हो गया है, इसमें अमृत नहीं निकल रहा है, ये तो जहर निकल रहा है और उसको जनता को पीना पड़ रहा है। ये अधिकारी नौकरशाह और पूंजीपति और राजनेता, ये माला माल इनका गठजोड़ चल रहा है, चारों तरफ लूट चल रही है और सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, और जनता को इस बारे में सोचना होगा। आदिवासियों को भीड़ है, मुख्यमंत्री को आना हो तो जनता भीड़ के रूप में होता है, तो दलित आदिवासियों को बुला लो, इकट्ठा करो, भीड़ दिखा दो, वही जो भीड़ का हिस्सा होता है उसी को बाद में आप इस तरह से अगर उसको अपमानित करो, आगे बढ़ रही है तो उसको रोकने का प्रयास करो, घर छीन लो, बेघर कर दो, तो क्या इनका शोषण आज भी हो रहा है? सिर्फ संविधान में जो इनको अधिकार मिले थे वो अधिकार का भी दुरुपयोग हो रहा है, इनको अधिकार के नाम का है, कुछ लोग ही है खास, चाहे इनके समाज के हों चाहे दूसरे वर्ग के लोग, दुरुपयोग कर रहे हैं ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दलित वर्ग खासतौर से आदिवासी और हरजन, आजादी के 75 साल में भी इनकी कोई स्थिति सुधरी नहीं है। ये जबसी का बताया जाता है कि विकास हुआ है, ये उनके आसपास सड़क निकल गई या आसपास कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई या कोई बड़ा भारी कारखाना खुल गया, ना उन कारखानों में वो हैं, ना ही उनको कहीं रोजगार है, ना कहीं कुछ है, जो भी है उनकी जमीन भी छिल गई और सरकार की कृपा पर जी रहे हैं कि 2 किलो अनाज 4 किलो अनाज जो दे दिया, 5 किलो अनाज और मुफ्त का अनाज, वो भी कि उनके ऊपर बड़ी कृपा हो रही है, उनसे उनका जीवन संचार कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा, सिर्फ अनाज पर, तो ये तो गुलामों को भी मिलता था, तो आदिवासियों की अर्जनों की स्थिति गुलामों जैसी है, उनमें कोई न कलेक्टर बन पाता है, इतने सालों का बताइए रीवा जिले से कौन आदिवासी अर्जन कलेक्टर हुआ है, है? कोई प्रशासनिक सेवा में भी यदि कभी छोटी पोस्ट से तरक्की करके भले बन गया हो लेकिन सीधी उनकी भर्ती कहीं अच्छी पोस्टों में नहीं हो पाती, वो पढ़ ही नहीं पाते, जबकि हमको मालूम है कि उनमें एकलव्य जैसी प्रतिभाएं हैं छिपी हुई हैं, उनको मौका मिलेगा तो वो ओलंपिक से लेकर हर क्षेत्र में आगे जाएंगे, तो ये सारा भेदभाव उनके साथ आज हो रहा है, बहुत नंबर 2 की या नंबर 3 और 4 के नागरिक की हैसियत से वो जीवन निर्वाह कर रहे हैं और बहुत मुश्किल है उनके साथ, बहुत द्वयम दर्जे का, माने जैसे दक्षिण अफ्रीका में हम लोग सुनते थे कि अश्वेतों के साथ व्यवहार होता है, उससे भी बदतर हालत भारत के आदिवासियों की अमृत काल में है। कहीं भी जाइए देखिएगा उनका जीवन स्तर क्या है, आप बताएंगे कि बड़ा विकास हुआ है, तो लेकिन विकास उनका हुआ है जिनकी बड़े बड़े साधन संपन्न है। देखा आपने, यह सीधे आरोप यहाँ के उन मतदाताओं के हैं जो आज भी वोट बैंक की राजनीति के शिकार है, जिनकी वोटों की सीढ़ी बनाकर विधायक नायक बने और अब वही वोटर उन्हें खलनायक कह रहे हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या अगर सुंदरिया आदिवासी की जगह कोई सामान्य वर्ग का जिला पंचायत सदस्य होता या कोई अन्य जन प्रतिनिधि होता तो विधायक केपी त्रिपाठी के भाई परिवार के लोग अपने ही गृह ग्राम में सड़क दुर्घटना में घायल स्थिति में 2 घंटे मरने के लिए तड़पने पर मजबूर कर सकते थे। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, जल्द ही हाजिर होंगे नए खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।